Hi, I'm Ali Azmat, and if you like this video, please like, comment and share, and please do subscribe to this channel, Rewind with Samina Peerzada. रिवाइन विद समीना पीरज़ादा में आज हैं अली अज़मत. आप सब इन्हें जानते हैं, आपने इनका म्यूज़िक सुना है, लेकिन ये ऐसे क्यों हैं ये आज पता करेंगे. आइए मिलते हैं अली अज़मत से. अली, थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग द टाइम एंड फाइंडिंग द प्लेस. यस, एंड फाइंडिंग द प्लेस. मुझे पता चला यू वर नॉट वेल. क्या हुआ, फ्लू हो गया, थक गए हो? नहीं, क्या करते रहे हो? फ्लू टाइप का ही माहौल है. श्योर? पीछे जाते हैं, कुछ रिवाइंड करते हैं. बड़े पुराने, मैं तो 1950s तक जा सकता हूँ पीछे आपके साथ. अभी तो 50s में पैदा नहीं. नहीं तो मुझसे छोटे. मैंने कहा घबरा डरा दूं जरा थोड़ा सा कि इनको कहीं अपनी बर्थडे ना रिवील करनी पड़ जाए. नहीं, मैं बहुत खुश हूं अपनी उम्र से. ठीक, आई एम 1970. हां, तो हम अभी ईयर 70. ओके, तुम बड़े ट्रबल टाइम में पैदा हुए. बट बिफोर दैट कहां? आई वाज बोर्न इन हवेलिया. एफ्टाबाद से पहले अभी एक जहाज भी वहां पे गिरा, इसलिए तो इट्स अ हमारा एक दोस्त भी वहां पे उस जहाज में थे. हवेलिया माय ग्रैंडफादर इज द लास्ट स्टेशन बिफोर द माउंटेन स्टार्ट. वो अपने बाद वो ट्रेन वहाँ पे हवेलियाँ तक जाती है. माई ग्रैंड फादर वॉज द स्टेशन मास्टर इन द रेलवेज. तो वो उन्होंने अपना बड़ा अपने फैमिली का असर रसूख मिला के इधर आए और बच्चा यहाँ पर पैदा होगा. तो फिर आई वॉज बॉर्न देयर इन दैट स्मॉल विलेज. नाउ इट्स नॉट अ विलेज एनी मोर. अबाउट 47 ईयर्स लेटर इट्स नॉट अ विलेज एनी मोर, बट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. वहाँ मैं पैदा हुआ, फिर वहाँ से पेशावर चले गए और आई थिंक 72-73 में लाहौर आ गए. एंड वी स्टेड हियर एवर सिंस इन गड़ी शाह. एंड पहले इससे पहले मोहम्मद नगर, विच इज़ राइट नेक्स्ट टू गड़ी शाह. आप तो उस एरिया से काफ़ी शनासा हैं. आप कभी नहीं हैं उस एरिया में, बर्ट इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द? Where did you live? I was born here. Which area? Lahore. Lahore ka, I think, भूल गया. इतना पुराना है. देखा है, पुट यू ऑन द स्पॉट. क्या होता है मुझे नहीं याद है. आई थिंक मियां मीर के पास. तो मियां मीर तो वही मियां मीर और गणेश शॉप के दूर है. और पैदा मैं हुई थी यू नो दैट हॉस्पिटल जो अंदरून शहर के पास है, लेडी विलिंगटन. हाँ, आई थिंक जानकी देवी में पैदा हुई, इसीलिए अब इतनी देवी बननी पड़ी होती है. तो मेरा फिर हम यहाँ से थे, हम नहीं रहे यहाँ पर. अच्छा. माय नाना वाज इन ग्वालमंडी. वो पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे. ठीक है. मेरी नानी का घर निस्बत रोड पे, तो यानी कि हम हमसाए रहे हैं. हाँ, और हम वैसे भी जो है वो कश्मीरी बरादरी के हैं दोनों. कहीं हो सकता है कि हम, हाँ, हमारी नानी डेफिनेटली सांझी होगी. ये डेफिनेटली कभी उसको कहते हैं ना पंजाबी में फरोला, नहीं तो फरोलेंगे तो कोई ना कोई मिल जाएगा, कोई ना कोई रिश्तेदार मिल जाएगा. मुझे लगता है मिलेगा, क्योंकि आप और मैं देखेंगे खुश शक्ल भी हैं दोनों. गोरे चिट्टे कश्मीरी बट टाइप के मॉल. बाकी लोग हमसे बहुत जलते हैं, मैं क्या करूं इसके बारे में. कहते हैं जी खाते हैं, हमें खाता हुआ नहीं देख सकते. हम खा रहे होते, कहते देखो जी बट खा रहे हैं बैठ के. कितने अफसोस की बात, कितना उम्दा खाते हैं, कितना उम्दा पकाते हैं हम लोग. अच्छा दिल है, और दिल देखिए कितना खुला है. खुला और दुले दुले भी है. तो मियां मीर वाज आल्सो क्लोज टू मियां मीर वाज बेसिकली द लास्ट पॉइंट बिफोर कंटोनमेंट स्टार्टेड. और वो गड़ी शाह और मियां मीर बिल्कुल, हम तो वॉक करके वहां जाते रहे सारी उम्र. सबसे बड़ा बेटा? मैं एक ही बेटा. बड़ा? हाँ. उसके बाद बहन? एक बहन बस. एक बहन. कैसा था बचपन? अच्छा था. क्या पहली मेमोरी, क्या है, क्या याद है? पहली मेमोरी मेरी जो है वो स्ट्रेंजली इनफ इज एट पेशावर रेलवे स्टेशन, विच वॉज माई ग्रैंड फादर्स लास्ट पोस्टिंग. और मैं तकरीबन साल का होगा, शायद 2-1.5 साल का होगा. मुझे अब इससे ज़्यादा मुझे याद है रनिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड
और मेरे दादा ने अपने सारे जितने भी सबॉर्डिनेट्स थे कुल्ली शुल्ली मेरे पीछे ओए पढ़ो मुंडे नु कदरे ट्रेन ते सामने ना डिग पवे एंड आई थिंक दैट्स द या दैट्स द वन दैट्स द ओनली यू वर अ हैप्पी चाइल्ड आई वाज अ हैप्पी चाइल्ड आई वाज अ हाइपर चाइल्ड ऑल्दो लिव थ्रू हार्डशिप्स डिडंट हैव इनफ मनी उस जमाने में आपको पता है स्कूलों के प्रेशर होते हैं अब जाते हैं तो अब भाई ने इतने अच्छे जॉगर्स पहने हुए जैसा कि तो मैं भी अब्बा को जा कहूँगा मुझे भी ऐसे लेने हैं उन्होंने कहा ना बेटा देख ला ले ला मैं मतलब कि तनख्वाह आएगी पर पहली तारीख को तो कितने के हैं मैंने कहा इतने के हैं अच्छा तो ये इतनी तनख्वाह है इसमें से तुम जूते ले ले तो फिर खुद ही शर्मिंदा हो जाते थे कि यार ये तो बाबे को तंग करने वाली बात है चलो रहने दे फिर ठीक है कोई नहीं मीन वी वर लाइक दैट तो हार्डशिप नहीं थी जिसको कहते हैं कि when we used to go to school, everything was normal. घर में खाना पीना सब कुछ मिलता था लेकिन यानी कि वो जो ख्वाहिशात होती हैं ना बच्चे बड़े हो रहे होते हैं हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब कहते हैं पापा वो डॉल लेनी है मैं कहा मेरा बेटा चलो आओ डॉल लेके आते हैं और डॉल लेने गया तो आगे से डॉल जो थी वो कोई 20,000 रुपये की थी तो मेरी तो आँखें पड़ गई एंड वी कैन डू दैट विद आवर पेरेंट्स तो खैर समझ गए मेरे मतलब कि ठीक है इट्स उठो खुद निकलो हिम्मत करो जब बड़े होंगे आई वॉज वेरी नॉटी आई वॉज क्वाइट हाइपर एक्टिव आई गॉट किक्ड आउट ऑफ फ्यू कॉलेजेस स्कूल से भी निकाला गया लास्ट ईयर आई और शरारत की वजह से हाँ अम्मी से मार पड़ी मलेशिया पर अम्मा बीट मी अप ओनली वंस वो पुरानी डस्के की वॉशिंग मशीन आती थी ना लोहे वाली आपको याद होगा लोहे की चलती थी तो आए पता नहीं कहीं मैं रात नहीं आया घर 4 बजे पहुंचा तो वो बैठी बरामदे में मेरा वेट कर रही थी उसको और कुछ नहीं मिला उसने उठाया और उसका कवर ढकना उठा कर उसने ढकना ही मार दिया मुझे पूरा का पूरा एंड देन शी क्राइड द होल डे कि मैंने उसको क्यों मारा तो और अब्बू से अब्बू नेवर टच्ड अम्मी बल्कि उनको कहती थी ज़रा फंडो ना जरा चंगी तरह ऐ बाज नहीं आ रहे बड़ा बदतमीज़ हो गया ये देखे क्या कर रहे ये देखे क्या कर रहा है ये देखे तो गुड़िया उड़ाई पापा नहीं गुड़िया नहीं उड़ाई पापा जो मोर फ्रेंडली वो कमरे में ले जा के ना दरवाज़ा बंद करते थे अंदर बैट ले जाते थे और कहते थे चलो चीका मार और रजाई को बल्ले पड़े दम दम मेरी मैं और मैं खिड़की में से अपनी माँ को देख रहा हूँ उसकी आँखें हाय मेरा बच्चा ना मार हाय मेरा बच्चा ना 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 बस करते नहीं आज तो नहीं मैं चढ़ना है एंड इवेंचुअली व्हेन वी कम आउट ऑफ द रूम लाफिंग तो गुड चाइल्डहुड पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स उन्हें हर चीज़ को हम उनको हमारे माँ बाप से बड़ी दोस्ती थी तो कुछ भी उल्टा सीधा कर देना तो फिर बता देना आके एंड उनकी बड़ापन था कि वो माफ़ कर देते थे कश्मीरियों में ज़रा ये होता है ना कि ख़ानदान फैमिली वालों के साथ ज़रा खुले डुले होते हैं अपने बाप के कज़न्स थे बाप का एक ही भाई था चाचा वो भी फौत हो गए तो सबके साथ फ्रैंकनेस टू द नेक्स्ट लेवल इवेंचुअली इवन वी आई गॉट ओल्डर तो बाप के साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस थी माँ के साथ भी एक्स्ट्रा फ्रैंकनेस उन्हें को जो I mean, the things that you don't say to your mother, things you don't tell your mother, what I did last night, where I was, what I was up to. हमारे साथ ये था कि हम आते थे माँ को मैं ए भी कीता मैं ए भी कीता मैं ए भी कर लिया मैं ए शी बी शॉक्ड बट देन यू नो गेट ओवर इट एंड ऑल्सो द बॉन्ड गेट स्ट्रॉन्गर विद योर मदर माँ से ज़्यादा तो खैर कोई प्यारी चीज़ है ही नहीं तो बड़ा अच्छा यानी कि वो इस वजह से कि वी वर सो फ्रैंक विद ईच अदर सो ओपन एंड यू नो इट्स तो ये कैसे बन गया अली आई वांट टू नो ये किसी का इन्फ्लुएंस था कि ये जो लहजा है और ये जो बात करने का तरीका है ये जो एक है हमारे ख़ानदान में बेसिकली सारे हसमुख और बात करके आप जा नहीं सकते कहीं पे वो जो एक जुगतबाजी का एक कल्चर माँ से ले के पुप्पियों से ले के खालाओं से ले के किसी के पास भी बैठ जाए तो उन्होंने आपके साथ रिडल्स में बात करनी है और जुगतों में बात करनी है तो घर से ही हंसना खेलना मुझे बहुत इंट्रीग करता है अबाउट यू हाँ हंसना खेलना करना अबाउट यू एक है ब्रेजन
ओपन, क्योंकि हमारा घर हमारे यहाँ हमारे घर में इसी तरह था कि बस जो बात है भाई बता दें, अगर सबसे ज़्यादा डर माँ से ही लग रहा है कि माँ क्या करेगी, माँ को बता दो तो पूरी दुनिया जाए भाड़ में, मेरी माँ को पता है कि मैंने क्या किया, यू नो मेरे बाप को पता है कि मैं क्या चीज़ हूँ। एक वो कॉन्फिडेंस भी उससे आता है। एंड बाय द एज 17 आई सेड आई एम लीविंग, उससे पहले वो 4-5 कॉलेजों से भी निकाला जा चुका था, तो उन्होंने कहा कि यार ये हैड अ लिटिल, किस बात पे निकाले जाते, सच बोलने पे, शरारत पे, गैंगस्टर मटेरियल, कीपिंग गन्स एंड बीटिंग अप पीपल, कॉप्स, टीचर्स, एनीवन। व्हाई? अगर घर में ऐसा प्यारा माहौल है और दोस्ती, हाइपर एक्टिव थे ना जो घर बार, जब बाहर निकलते हैं, जब आप किसी जिसको कहते हैं पीयर प्रेशर भी कहते हैं इसको, आपके क्लास में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, तो पहला दिन एक बंदा आया, आई वाज इन बैंड, नहीं अभी स्टार्ट हुआ था जुपिटर्स, तो मैं कॉलेज गया तो उन्होंने कहा, एक बंदा आया कहता है कड़ी जमात तो है, कौन सी जमात, कौन सी पार्टी? अरे कहा मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैंने कहा जी वो कुछ ना, ठाच पेड़ मारी और चला गया। तेरी ये क्या हुआ है? दूसरे दिन एक और बंदा इसी तरह का करेक्टर आया, उसने भी इस तरह करके पेड़ में मुक्का मार दिया। तीसरे दिन किसी और ने आके ऐसा एक सवाल पूछा, हमने कहा ठहर जाओ ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मैंने कहा जी सबसे स्ट्रांग कौन है जी? रावियन फ्रंट स्ट्रांग है, हम उनके साथ जाके मिल गए। हमने कहा ये भाईजान, उन्होंने कहा जी ये पकड़े रिवॉल्वर और ये आपने बस कैंटीन के बाहर खड़े रहना है, आप बॉयज जो है ना हम, हमारी प्रोटेक्शन है, चलाना वलाना तो हमें खेल भी नहीं आता था। तो कहने का मकसद है कि यू गो इनटू एनवायरनमेंट वेयर सारे वो, कोई भाटी का लड़का है, कोई चुबुरजी का लड़का है, आप वहाँ पे मम्मी डैडी टाइप के माहौल में चले गए हैं, वो आपको जो खा जाएंगे। तो टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट यू हैव टू बिकम, 2-4-5-6 दफ़ा मारे पड़ी, उसके बाद मार का डर भी ख़त्म हो गया कि अब मार हाई मुझे मुक्का ना लग जाए। जब 2-4 मेरा नाक जो है वो 7 दफ़ा टूटा हुआ है, फॉर द रिकॉर्ड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो एनीवे, तो इतनी मारे खाई, इतनी दफ़ा किडनैप हुए मार के, फिर सख्त जान होना पड़ता है। और फिर कॉलेज के अंदर थोड़े से और यू नो कैरिंग वेपन्स एंड सो आई डिड लॉट ऑफ क्रेजी स्टफ इन दैट सेकेंड ईयर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर। बाय थर्ड ईयर मुझे समझ आ गई थी कि दिस इज़ नॉट माई लाइफ, बिकॉज वो जो बड़ा शौक था गैंगस्टर के, सारे वो उस टाइप के लोगों से घूमते फिरते थे, बंदूकें रख के किसी पे फायरिंग कर दी, किसी को दौड़े लगवा दिया, दौड़ा लो आतिया। तो वो थोड़ा सा नशा भी है उसका। उसके बाद एक केस पड़ गया, तो उस पर वालिद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बिकॉज उनको सारी बातें बता देते थे, उन्होंने कहा कि बेटा बदमाशी, जारी बात है फिल्मों में देख के तुम ये रैम्बो, जॉन रैम्बो, ब्रूस ली बनना चाहते हो, लेकिन बदमाशी करने के लिए ना ये चीज़ होनी ज़रूरी है कि आपके पीछे माँ बहन बाप ना कोई हो। मैंने कहा जी इसका क्या मतलब? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अगर कोई तुम कुछ हरकत करके भाग जाते हो और वो थानेदार आके तुम्हारी बहन और माँ को थाने में ले जाए, तो फिर तुम्हारी इज्जत को क्या होगा? हम तो सारी गेम ही इज्जत पे खेल रहे हैं, हमारी इज्जत बहुत है जी, हम तो यू नो वे कमिंग अप इन द वर्ल्ड, वे हुम आई एम इन, मेरे साथ तो उसने इस तरह बात की मैं उसका मुँह तोड़ दूंगा, ये इस एटीट्यूड के साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। तो बात मैंने कहा जी मैं थाना उड़ा देगा। उन्होंने कहा फिर उसके बाद क्या करेगा? मैं कहा जी उसके बाद मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। ये क्या है कि मैं चला गया, बाप चुप कर गया बेचारा, उसने कहा यार हाथ से बाहर निकल गया। बट दैट नाइट व्हेन आई वाज स्लीपिंग आई रियलाइज्ड एंड आई थॉट अप टू माय सेल्फ कि बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बदमाश जिसको कहते हैं वो तो बदमुआश है, उसका ज़रिया है मुआश जो है वो कोई भी, हमने वो भी नहीं करना, हम तो सिर्फ लड़ने मरने के लिए अपनी, और मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ तो यहाँ तो अपने टैके के लिए कर रहे हैं, तो अगर पैसा वैसा नहीं कमाना तो फिर तो ये बदमाशी वही है ना कि रोज़ आपको पुलिस लेने आई हुई है, रोज़ आप थाने में गुजारें, तो दैट्स नॉट योर लाइफ, डेफिनेटली नॉट। ऑल दोज क्रेजी आइडियाज इन योर हेड व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, क्रेजी आइडियाज हैं ना यू, तो ठीक है, आई मीन यू लिव इट, यू डू इट, एंड वंस यू डन इट एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, यू स्टेप आउट योर सेल्फ। तो और उसी वक्त में ये ज़रा हो चुका था कि
भाई कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के साथ, कुछ कमाना है, बाप ने तो कुछ नहीं देना, उन्होंने तो कह दिया बेटा देख ले जो करना है आप कर लें। फिर उन्हें इस टाइप का एटीट्यूड था उनका कि हाँ हाँ ये है, ये मोटरसाइकिल है ले जाएँ बेच दें कर लें। मैं यार आगे से चुप कर जाता था। तो इन्हीं की बात तो ठीक थी कि आप अपनी ख्वाहिशात के लिए उनकी ज़िंदगी तो नहीं अपरूट कर सकते, सो चलो उठो कुछ करते हैं। तो आई स्टार्टेड डूइंग वेरियस स्टाफ, कभी कोई ब्रोकर भी बन गया, किसी की फिल्में बिकवा दी, कोई किसी का दुकान किराए पर चढ़वा दी, इस तरह के। मैं 16 साल की उम्र से इस तरह काम करता था। एंड आई रिमेंबर आई ब्रॉट 500 rupees फ्रॉम अ कमीशन टू माई मदर एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई डिडंट रियलाइज दैट वाज माई फर्स्ट पे चेक और व्हाटएवर 500 rupees। तो उसके बाद फिर जुपिटर एक बैंड था, वो गाना वाना भी ऐसे गाता था। ये कहाँ से ये बस लड़कों के साथ आवारागर्दी करते हुए मोटरसाइकिलें चला रहे हैं, पिस्तौलें लगाई हुई हैं, हाथ साथ हाथ छोड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल के एक पहिए पे उठाई हुई है, वो वन व्हीलियां कर रहे हैं और तो गाने भी गा रहे हैं साथ, ठंडी हवा लग रही है। तो पीछे वाला बैठा हुआ कह रहा है यार बड़ा अच्छा गाना गाया तू। मैंने कहा अच्छा यार वो दोबारा सुनाई वो जो तू गाना सुना रहा था। तो दूसरी तरफ सुना दिया, फिर कहीं और गया, उसने कहा यार वो गाना सुना जो तू वैम का गाना गाता है वो। मैंने वैम का गाना फिर अब जो 5-10 दफ़ा हो गया तो उन्होंने कहा यार तू तो बड़ा अच्छा गाता है। मैंने अपने बाबू जाके बोला, कहा चल आया चल। कहा तू जिथे भी जाएगा ना, मेरे बाप का आगे से ये जवाब था, कहता तू जिथे भी जाएगा ना बैजा करा देगा। मैं कहा अच्छा, कहता जिथे भी जाएगा कहेंगे ओए बैजा थले बैजा। सो दिस इज देयर यू नो वे ऑफ डिस्करेजिंग और एनकरेजिंग यू। तो खैर वो आई वेंट टू दिस गाय, मैंने कहा अच्छा मैं गिटार सीखता हूँ, इफ आई हैव अ वॉइस। तो मैं एकदम से कुछ नजर आने लग गया, तो गिटार स्टार का शौक था, वो म्यूजिक सुनता था, वो एकदम से वो रियलाइज़ किया कि आवाज़ है। तो देयर वाज अ सॉन्ग बाय अ बैंड कॉल्ड आहा, तो वो मैं नोट टू नोट गा लेता था। वो द सॉन्ग वाज एक्चुअली बेसिकली इन 3 ऑक्टेव्स, टेक ऑन मी आई बी गॉन इन अ डे टू। तो जो लास्ट नोट था लाइक आई मीन पीपल वर लाइक जॉ ड्रॉप के वो ये नोट भी हिट कर रहा है यार, एंड आई डिडंट नो व्हाट नोट वाज। आ तो हम तो ऐसी नकल उतार रहे थे। तो उन्होंने कहा ये सो 3 ऑक्टेव रेंज है इस लड़के की, तो इधर आओ ना जरा बच्चे। तो मैंने कहा ये गाना गाओ ना जरा, और कौन सा गाना आता है। तो एंड ये कौन था? ये तनवीर ताफू। अच्छा, ये जुपिटर्स के गिटार प्लेयर थे उस जमाने, और वो सारे लड़के। उन्होंने कहा हाँ लड़का ठीक है जी, लड़का ठीक है, ए स्मार्टी बॉय गाया जीना जूना पा के आंदा, आ जाओ जी आ जाओ। तो मैंने 2-4-5-6 और गाने गाए। उसने कहा और कौन सा गाना गाना है? ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का एक गाना आता है जी, डांसिंग इन द डार्क, अच्छा गा दो। उन्होंने कहा तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन वाली आवाज़ कर के गा रहा है। मैं कहा जी आहो जी, मैं किसी की भी नकल ला लेना। बस नकले उतारते उतारते सिंगर बन गए, और फिर नकले उतारते उतारते एक्टर बन गए, अभी तक इंसान नहीं बन सके। तो ये छोटी सी मुख्तसर सी स्टोरी है। एंड देन ऑब्वियसली देयर वाज नो टर्निंग बैक। आई वेंट टू कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया इन 1989, बैक इन 90। वो ऑब्वियसली सारे जो पैसे मैंने वो बैंड से कमाए थे, 500 रुपये रोज़ के हिसाब से वो जमा करता रहता था। कोई 5वें महीने मेरे पास अपनी गाड़ी थी, तो वो मोहल्ले वाले तो यही समझते थे कि डकैत है ये, क्योंकि पिस्तौल ले क्लाशन कोफे लेके घूम रहा होता है, तो ये कोई बंदा बुंदा मार रहा है, इसने कोई लंबा हाथ मार दिया। पहले मैंने ली मोटरसाइकिल आफ्टर 3 मंथ्स, दैट वाज फॉर 13,000 rupees एंड आई हैड अबाउट 17,000 rupees सेव्ड अप, माई ओन मनी। I'm 16 years old, I have about 17,000 rupees saved up, my own money, I'm giving my mother kharcha also. And I buy this motorcycle na pure mohalle mein na ke ji munda unke se gang se chala gaya aur ye aata hai, unko kya pata tha raat ko, excuse my language, wo kehte na wo Punjab Lahore mein to is tarah ki language bahut use karte na, kithe chale ho raati taiyar ho ke ek kishtiyon mein wal wa ke tusi kithe chale ho, you know the language. तो उन्होंने कहा सवेर राती बस चला जाता है कितने कपड़े पा के, एंड टिचन टॉच होता है, मोटरसाइकिल फटता है तो चला जाता है, तो कितने जाता है पता नहीं जी किधरे जाता है। दादी मेरी बड़ी जालिम थी, वो हर वक्त मेरे खुरा ढूंढती रहती थी कहाँ गया किधर गया, उसका पता करो ये रात को कहाँ निकल जाता है। ये 7:30, 8:30, 7:30, 8 बजते हैं बंदा गायब, सुबह 4 बजे आ रहा है। And you were doing concerts. I was doing concert and bringing money every night and wasn't telling anyone कि मेरे पास रोज के कैश आ रही है और कहाँ से आ रही है और जाता कहाँ है और तैयार तो रोके जाता है। तो बाप मेरा यही समझता रहा कि ये कोई दिल पिशौरी के चक्कर में कहीं जा रहा है, कोई लड़की शड़कियों के, तो ये नहीं उनको पता। खैर एनीवे दैट वाज इवेंट वाज एवरीथिंग, यू नो कि आप किसी फनफेयर पे जा रहे हैं या आप किसी
तो जंग ग्रुप ने एक शो किया अलहमरा हॉल वन ही होता था उस वक्त 87 I was 17 years old, actually 88 I think, 87, 88. So exactly 30 years ago. Exactly 30 years ago. Wow. Can you imagine? I mean, you can tell me now that you've been working for about? Since 82. 37 years. So I'm close by. I mean, I'm 30 years, okay? So I invited my parents. I had two passes. I said, come. ये अब पहली दफा वो अब उनको नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ मैं रात को कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ ये क्या है चक्कर क्या है मैंने कहा पाए क्यों क्यों छुपाया मैं वैसे ही ना कि उनको एक्चुअली दे डिडंट बिलीव मी बिकॉज़ आई वो एक इतनी अग्रेसिव हाइपर वायलेंट लाइफ से एकदम से ये वो कहते कंजर कहते इन्हें पढ़ना लिखना नहीं दादी मेरी दूर से आवाजें मारती थी इन्हें पढ़ना लिखना नहीं वे जाके तेरे नच गा के पैसे कमा लिया आकर तू कंजर मरासी बनेगा हमें बद्दुआएं देती थी मुझे दादी तो सारा दिन बैठी किताबें लेके बैठी कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो आप नहीं पढ़ना यार निकल जा निकलो निकलो अच्छा उन्होंने कहा इसने यही करना है ये यहाँ तो बदमाश बन जाएगा और किसी ने गोलियां खा के मर जाएगा और उसको पुलिस वाले मार देंगे यहाँ पर इसने कंजर मरासी बांधा तो एनी वे वन ऑफ दोज थिंग्स आई मीन व्हाटएवर आई टोल्ड माय डैड तो दे डिडंट बिलीव मी आई वुड टेक माय टेनिस रैकेट आई यूज्ड टू प्ले स्क्वाश इन मियो गार्डन्स तो वहाँ से मैं आना वापस और निकर शिकर पहनी और टेनिस रैकेट से गिटार जाके गाना गाना और कैसे अच्छा अच्छा बिस्तर से नीचे उतरो क्या गंदे पैरों के साथ चढ़ गए बिस्तर के ऊपर चलो 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 बाहर चलो क्या बदतमीज लगाई हुई तो आई मीन दे डिडंट बिलीव नोबडी टुक मी सीरियसली सो व्हिच इज ओके आई मीन आई हैड बाय द फर्स्ट टाइम आई ओपन्ड अप टू देम सो दे केम टू अलहमरा हॉल और वो उन्होंने अनाउंस किया जुपिटर और पहला जिंदगी का ना कॉर्डलेस माइक पाकिस्तान में आया था वो इनके पास था बस वो कॉर्डलेस माइक का क्या होना था कि मैंने दौड़ लगा के ऊपर चढ़ गया एंड माय मदर एंड माय फादर वर सिटिंग देयर लाइक व्हाट ही इज सिंगिंग एंड ही इज सिंगिंग ओके लाइक सो आई वेंट एंड किस्ड माय मदर एंड किस्ड माय डैड एंड आई केम बैक राइट डाउन एंड वो पूरा डांस डूंस और वो एक्साइटमेंट और पहली दफा स्टेज पे पहली दफा तो नहीं मैंने आई डन परफॉर्मेंसेस तो द बिग परफॉर्मेंस लाइक प्रॉपर ऑडिटोरियम एंड लोग खड़े हुए हैं और बैटल ऑफ बैंड्स हो रही है कौन जीता कौन हारा तो उसमें हम मैं जीत गया फर्स्ट प्राइज 10,000 rupees फॉर द होल बैंड 1,000 rupees भी हाथ नहीं आया कह रहे का मकसद ये है कि दैट वॉज द बिग शॉकर फॉर देम बट यू अराइव्ड आई अराइव्ड आई मीन फॉर इन फॉर देम यस दैट्स व्हेन दे टुक मी शी सेड ओह यू कैन सिंग दैट्स वो तो डांस भी कांट दौड़ा भी ला रहे हैं दे है तो कोई और ही चीज है तो वो देवर आई मीन दे डिडंट बिलीव मी ना ऑब्वियसली कि ये कैसे हो सकता है सो आफ्टर दैट उन्होंने कहा अच्छा ये दादी को बताया दादी को ले गया ना फिर उसके बाद काफी शोज वोज हुए थे एक दफा दादी को भी ले गया एंड शी इज सिटिंग देयर एंड क्राइंग आई बड़ा जोर लगता है इस काम दे विच सो दे वर क्यूट इन देयर वेज यू नो लाइक दे सपोर्टेड मी दे डिडंट से कि नहीं ये नहीं कर सकते रिश्तेदारों ने कोई इधर उधर मारी चवले मारी इधर उधर के देखो जी कोई मुंडा सी मरासी बन गया ਕਿੰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਓਹੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਈ ਬੀਚ ਮੇ ਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕੋ ਵੀ ਥਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਕੇ ਹੋਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਐ ਤਾਂ ਗਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਥ ਸਭ ਟੈਕਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਥ ਸਾਥ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਇਆ But I realized that Lahore mein is cheez ka koi scope nahi hai, so I need to educate myself. I mean, from this point onwards, I'd gone to from a shararti boy in school to a violent gangster type, roaming around with gangsters, carrying guns and firing at people, and police walon se bandooken chheenne ki shartein lag rahi hain ki 1 rupaye ki shart pe bandook chheen ke lani hai. So you know they did shit like that. So from there to you know, interested in a band, and all of a sudden I'm in a band, and I'm pehli dfa apne baap ko bulata hu aur 10,000 rupaye ka wo first prize bhi jeet gaya, to this was serious. Oh my god. So I and the to bade tez leke apne aap ko bahut 40-30 mar khan samajhte the, but when I started meeting new people, I realized that I do not have education to back it up. So ek wo mujhe cheez na dimag mein
khadakni shuru ho gayi ki all this is good, I mean I can sing three octaves or whatever, but if I don't have education and exposure to zindagi zara thodi si any idhar hi guzar jayegi ye zindagi. So for exposure and for education I need to get the hell out of here. So I did, I applied for a college in Australia. डेढ़ दो साल गुजर चुके थे बैंड के साथ, आई इट सेव्ड हम सब मनी, यू नो इनफ एम्पल मनी फॉर 18 ईयर ओल्ड 18 एंड हाफ ईयर ओल्ड बॉय. आई हैड अबाउट 3-4 लाख रुपीस बैक इन 88 जो कि मैंने खुद सेव अप किए थे, टिकट अपनी खुद खरीदी, कॉलेज की फीस अपनी खुद दी. और बाप और मेरा माँ मेरे मुँह ही देखते रह गए कि हैं 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 किधर किधर, मैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ पढ़ने के लिए. सो आई डिड अबाउट ईयर ऑफ दैट एंड देन आई कुड ऑब्वियसली पे द ट्यूशन फी, वो इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट. फिर आई वॉज वो जितना माँ से सारी उम्र भागते थे ना, वहाँ जाके माँ को ही सबसे ज़्यादा मिस करता था मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास वापस. सो आई केम बैक इन 90 एंड देन स्टार्टेड जुनून इन 90. दैट वॉज ऑल्सो बॉर्न इन गड़ी शॉ बिकॉज सलमान लिव्ड इन गड़ी शॉ, आई लिव्ड इन गड़ी शॉ. वॉक टू हिज हाउस, रोड कपल सॉन्ग, अरशद महमूद साहब ने कहा आ जाओ टिकट देते हैं आपको, आप गाने रिकॉर्ड कर लें आके, रेस्ट इज हिस्ट्री. यू नो फिर मैं कराची आ गया एंड और पैसों की आदत नहीं थी वो, यानी कि आई वॉज एंटरप्राइजिंग, अपना खर्चा तो चलाता ही था पर लेकिन ये नहीं था कि कोई सेविंग्स करनी है. नहीं, हम सेविंग्स तो हमेशा से, मेरी माँ मुझे कहती थी संजूड़ी रन, ये हमेशा कुछ जोड़ता ही रहता है, चार पैसे मिलते हैं. दैट्स वंडरफुल, आई थॉट यू डिडंट. नो आई डिड बिकॉज़ आई हैड नो अदर चॉइस, आई हैड नोवेयर टू गो बैक टू, यू नो एवरी टाइम आई हैड सम मनी आई रियलाइज दैट आई हैव टू लास्ट मेक दिस मनी लास्ट 2-3 months. वो 10-12 हज़ार रुपये कहीं से आ गया तो यही सोचे जा रहे हैं कि ये 10-12 हज़ार रुपये 3 महीने के चलाना है. तो यहाँ तो आता ना कोई, अगर किसी के पास पैसे आते हैं कहता हाँ भाई ब्रोस खिलाता हूँ तुझे मैं, आज मेरे पास 12 हज़ार रुपये आया. आई वुड बी द ऑपोजिट, आई वुड से वो 12 हज़ार रुपये आ गया, वो अच्छा मैं तो दाल यहाँ से 5 रुपये की नान चने खा लेता हूँ. तो इस तरह करके हिसाब लगा लेता था कि 30 दिन के नान चने अगर खाऊंगा तो कितने पैसे बनेंगे. तो मुझे अपना पूरा महीना चलाना है, मुझे तो किसी पैसे नहीं देने लो मेरे. अनफॉर्चुनेटली इट्स अ गुड थिंग मे बी कि ऑल माई फ्रेंड्स वर रिच. द स्कूल आई वेंट टू, मेरे जितने भी क्लास थे तो कोई चेयरमैन रेलवे था, कोई जनरल मैनेजर रेलवे था, कोई आई वॉज इन रेलवे स्कूल, कोई डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस था. तो दे वर ऑल वेल टू डू, लिविंग इन बिग हाउसेज, ड्राइविंग कार्स, मोटरसाइकिल्स, आई हैड नो सच लक. तो कज़न्स वज़न जो थे वो सारे मार्क टूज में और गाड़ियों में घूमते थे, दे वर टेकिंग स्विमिंग क्लासेज, मीनवाइल आई वाज जंपिंग इन लाहौर कनाल. तो एक बहुत बड़ा गैप था उधर. तो वो आई अंडरस्टूड दैट कि आई कुडंट, आई मीन दे दीज गाइस आर यू नो ऑल वेल एंड गुड, दे यू नो दे हैव एवरीथिंग, आई डोंट, सो आई हैव टू मेक इट हैपन, यू नो. सो वो एक चीज़ बचपन से ही थी. तो आई डिडंट वेस्ट मनी एवर कि मैं आया और मैंने ये कर दिया, वह मुझे वो पैसे आए हैं, मोटरसाइकिल चाहिए तो लेनी है, जाओ लेके आओ, कहीं से पैसे करो बंदोबस्त. तो फिर 500-500 रुपया जोड़ जोड़ के मैंने को वो उस टाइप के भी कैरेक्टर नहीं, कमेटी डाल दें किसी आंटी के साथ, तो खुद ही करना पड़ता था. सो वो फिर वो सारी उम्र वही रहे, बट ये फिर वैल्यू भी तो होती है, वैल्यू उसी चीज़ की है ना. प्लस लाइक आई सेड आई हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग गुड थिंग्स इन लाइफ. Did you go Which, back to government college? Complete की education? नहीं, Canada से, Australia से वापस आके. When I was in government college, the first year पूरा मैंने तकरीबन पढ़ लिया था, उसके बाद मेरा admission हो गया था. So I left government college and went to college in Australia, और वहाँ पे भी साल किया, और फिर वो भी खत्म हो गया. Then I came back. There's no problem. I back in the day, I was supposed to pay about $8,000, which was a huge sum for me. तो वो मुझे डिग्री मिल जाती उससे, अगर मैं वो 8,000 आप पता नहीं कितने मांगते हैं, आप तो पता नहीं कि बस मेरा रिकॉर्ड भी है कि नहीं. बट नेवरदलेस वो आई, यू नो, ऐसे एजुकेशन इज नॉट अ डिग्री, आई एम नॉट गोना गो वर्क. आई आल्सो वर्कड इन अ बैंक आल्सो 4 days एंड आई थिंक द थर्ड डे आई केम आउट ऑफ द बैंक एंड बैंक के बाहर जो गमले पड़े हुए थे वो मैंने ठुडे मार के सारे तोड़ दिए. बस मैं उस दफ्तर में गमलों का क्या कसूर था? गमलों को मैनेजर का सर तो नहीं फाड़ सकता था ना, दिल तो मेरा वही कर रहा था कि वो गमला जाके उसके सर में मार दूं. बट बाहर आके गमले तोड़े, टाई उतार के गटर में फेंकी, और उसके बाद कभी टाई नहीं पहनी, आजाद हो गए उसके बाद. टाई नहीं पहनी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मुझे टाई पहननी पड़ती थी. आई वॉज डूइंग अ जॉब, आई हेटेड इट, एंड
फिर आई वाज डूइंग दिस बैंक जॉब क्लर्क टाइप की, तो जी ऑस्ट्रेलिया से आया लड़का पढ़ के कोई, तो अच्छा जी पूरी नहीं की थी, चल आ जा देख लेने हैं कुछ, वो चार दिन में ही समझ आ गई कि ये पेन पेपर पुशिंग नहीं मैं कर सकता, दिस विल ऑब्वियसली किल माई सोल यू नो, एंड आई जस्ट कुडंट लिव विद द आइडिया ऑफ सिटिंग इन एन ऑफिस एंड एंड लुकिंग एट द वॉच एंड सेइंग अच्छा तीन बज गए, दो घंटे रह गए हैं. तो ये जो शायरी उठाई, ये जो सूफी कलाम उठाया, इकबाल को उठाया, ये किस तरह से आया था? ये तो बड़ी डेयरिंग चीज है, बिकॉज आई थिंक फॉर यंग पीपल टू डेयर. बेसिकली वी वर लुकिंग फॉर कॉन्टेंट विच रिप्रेजेंट्स अस एज द थॉट प्रोसेस, लाइक आई मीन यू कैन से दैट आई माय माइंड वाज डेवलप्ड मोर देन माय फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स एंड जो मेरी एज के बॉयज थे, वो दे वर स्टिल यू नो वो इंटरनेट पे इश्क की बातें कर रहे थे कि वी वर थिंकिंग अबाउट अदर थिंग्स, आई मीन ऑल्दो वी वर अब नॉर्मल एंड ऑल दैट डूइंग दोज थिंग्स ऑल्सो, लेकिन वो एक फिलोसॉफिकल परसूट थी. आई मीन इट वॉजंट एनी ऑफ माई ओन, माई फादर वॉज अ फिलोसफी स्टूडेंट, एम ए फिलोसफी, तो उन्होंने उधर से भी थोड़ा सा कीड़ा मेरे ख्याल से डाल दिया कि वो उधर थिंकिंग मैन और वो ये जो है ना पॉन्डरिंग ओवर शिट एंड यू नो एंड 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 स्लो इन प्रोसेस काइंड ऑफ पर्सन, तो वो वहाँ से भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से आई वो जो एक फिलोसॉफिकल लॉन्गिंग थी कि नहीं व्हाट इज दैट मीन एंड व्हाट इज दैट मीन एंड हाउ एंड हु एम आई एंड वेयर एम आई एंड व्हाट द हेल इज दिस लाइफ सपोज्ड टू मीन, ये बहुत जल्दी शुरू हो गया था. एंड आई थिंक आई रिमेंबर क्लास 10th आई वाज लिसनिंग टू पिंक फ्लॉयड अ लॉट एंड एंड दैट म्यूजिक जस्ट सॉर्ट ऑफ ओपन अप डोर्स फॉर मी, दैट डोर्स ऑफ परसेप्शन एज यू वुड कॉल इट, कि ये दरवाजे खुल गए कि क्या हो रहा है, क्या ये दुनिया, ये साउंड्स और ये, आई थिंक इट हैज़ टू डू लॉट विद माय मेंटल मेकअप इज थ्रू द म्यूजिक ओवर द इयर्स एंड गेव मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ परसूट्स एंड लॉट ऑफ कि मैं आई एम नॉट मेंट टू बी हियर एंड इट्स ऑलवेज अबाउट, इट वाज ऑलवेज अबाउट माय comfort space. I mean, it was my, I was in my comfort space, and then I would say, "Oof, zindagi guzar jayegi. Is comfort mein se bahar nikalna hai. Main pagal ho jaunga. Subah uthta hu, paratha bana ke maa le aati hai. Oh, desi ghee mein kha mera beta paratha. Do desi ande kha raha hu. Ye kya comfort hai? Ye koi baat hai? Is tarah to sari zindagi aise hi pada rahunga. Ye to chawal baar jaate hain. Oh, photographer banega. Shaadiyan te tasveeran khichega." अच्छा अच्छा जी, है तो शादियाँ दे गाने गाएगा जाके, इनको हर बंदा आपको पुट डाउन करता. सो आई कैन अफोर्ड इट टू पुट माई सेल्फ आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन. श्योर, गो अहेड, आई गो टू ऑस्ट्रेलिया, सी व्हाट हैपेंस. साल पढ़ता हूँ, अपनी फीस भी देता हूँ, अपना सब कुछ भी करता हूँ. व्हेन आई कांट डू इट, आई हैव अ चॉइस टू ड्राइव अ टैक्सी, बिकम अ सिडनी कैबी, एंड आई डिड अ कोर्स फॉर दैट ऑल्सो. आई स्पेंड अबाउट $500 learning to do the bloody routes and stuff, and then I realized, and I said, no, I don't see myself as a cabbie. I mean, I guess for a college purpose of feeding myself through college I could do it, but then if that becomes you know, agar mujhe college interesting nahi lag raha to fir main cabbie nahi banna, ki main subah se leke shaam tak sawariyan tonda raha और शाम को कहूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोई इधर मुझे ऑस्ट्रेलियन लड़की मिल जाएगी, मैं तो शादी कर लूँगा, यही रह जाऊँगा. मिली थी? बहुत मिली थी, पहले हफ्ते में ही मिल गई थी. अच्छा. हाँ, थर्ड डे. पहली दफा प्यार कब हुआ था? पहली दफा प्यार तो मेरे ख्याल से बचपन में ही हो गया था. प्यार तो होता रहता, अब नहीं होता. अब सिर्फ, अब असल में प्यार का मतलब पता चला कि प्यार होता क्या है. ये जब अपने बच्चे पैदा हुए हैं तो कोई, ये तो प्यार, ये प्यार श्यार बकवास है. लव एट फर्स्ट साइट, उसको देखा मैं उसकी आंखों का दीवाना, तेरी जुल्फों में खो जाने को दिल करता है, चुड़त तेरी ऐसी दी तैसी, जुल्फों में खो जाने का दिल करता है. दैट्स लस्ट, दैट्स नॉट, दैट्स नॉट लव, इट्स प्योर लस्ट. एंड सो लव इज व्हेन आई डिस्कवर्ड लव इज व्हेन माय डॉटर्स वर बॉर्न. एंड आई कांट टेल यू, आई मीन द डेफिनेशन ऑफ लव चेंजेस, एंड यू रियलाइज व्हाट योर पेरेंट्स डू फॉर यू एंड हाउ दे फील एंड हाउ देयर रनिंग आफ्टर यू. जो पराठे और अंडे लेके मेरे पीछे भाग रही थी, को पागल थी औरत, ये क्यों मेरे पीछे भागती रहती है हर वक्त. फिर समझ आई ना क्यों भागती थी ये प्यार होता है.
ये तो जो हम कर रहे हैं ये तो इट्स नॉट लव इट्स नीड यू नो इट्स लस्ट व्हाटएवर एंड वो एक बड़ा इनक्रेडिबल सीन है क्या था वो मोमेंट when you decided to get married I didn't decide it was a shotgun wedding by my family main unko actually this is a ek bada share main unko kehta hu apne baap ko kehta tha before he passed away wo kehta tha sadke jaawa main apne daku yaar de sadke jaawa main apne daku yaar de jinne mainu doli chaadya thudde maar ke तो अगर वो ठुड्डे ना मारते तो मैं शायद ना करता शादी तो जरूरत क्यों हुई बट यू मुझे तो कोई जरूरत नहीं थी यू हैव सीन सो मेनी वुमेन यू यस आई मीन आई वाज काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ दैट होल इन एंड आउट ऑफ लव एंड आई वाज बोर्ड ऑफ दैट रूटीन वो एक होता ना कि देयर इज अ माशाल्लाह आई बीन अ प्लेयर आई मीन यस प्लेड एंड यू प्लेड वेरी वेल एंड फ्यू टाइम्स ओवर बट आई मीन आई एम जनरली अ नाइस गाय सो आई मीन आई टॉक टू वुमेन So, you know, I joke a lot. I mean, I talk shit. So women get attracted, I guess. I mean, I have that, you know, personality. Mm-hmm. I can't really, you can't take it away. It comes mm-hmm. from experience. It comes from hard, you know, streetwise and all that shit. You know, what do you call it? But I and was... And you treat them as an equal. Ah, of course. Yeah. As friends. I mean, as friends. And, yeah. and all the women in my life were still friends. However long we mean like 10 years 4 years 6 years 3 years 2 years 1 month still friends with them because that is most important thing I'll always you know like, hey what's up kya hal hai unko phir aa gaya 5 minute baad ha he's okay chal mujhe gussa khatam ho gaya is pe so you know like aapko bhi unpe koi gussa nahi hai unko bhi aapko koi gussa nahi hai things happen you know life is life and you can't really blame hold people responsible for shit that you're going through तो वो इट्स वॉज गुड एक्सपीरियंस बाय लास्ट बट आई कैन गॉट बोर्ड ऑफ दैट एंड आई डिडंट हैव द एनर्जी टू यू नो द होल प्रोसेस एंड आई वॉज सिटिंग एट होम विद माई डैड एंड हिज फ्रेंड्स वर 64, 65, 72, 75 एंड आई एम लाइक केटरिंग टू दीज ओल्डीज एंड जस्ट लाइक हैंगिंग आउट विद देम ऑल टाइम क्या खाएंगे हम अच्छा मैं लेके आता हूँ और यार ये कुछ करता नहीं मुंडा थोड़ा एन कुछ को जाए कोई को पार्टी शार्टी नहीं को तुम करते अच्छा कोई कोई शराब शरूब नहीं पीता है तुम मैं नहीं जी मैं नहीं पीता तो फिर की करना है तू मैं जी मैं कुछ नहीं करता बस थोड़े बैठ रहा गप शप मार है तो यार इस तरह तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी तू तो इसी तरह हमारे साथ बैठा रह जाएगा टाइम गुजर जाएगा 41, 42 ईयर्स तो फिर उन्होंने एक कोई कैंपेन चलाई सारे दोस्तों ने भी और डैड माई डैड डिड अ लिटिल बिट ऑफ ड्रामा हेयर एंड देयर एक दफा घर छोड़ के चले गए He was quite ill, so तो मेरी ज़रा थोड़ी सी टाइट हो गई कि ये हुआ क्या गए कहाँ सो ही वेंट विद माई ड्राइवर एंड ईस्ट उसको कहा था गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी से उतरे रिक्शे पर बैठे चले गए कहीं पर और ड्राइवर का घर जाके बता देना कि मैं चला गया हूँ उसने आगे मुझे जगाया उसने कहा जी कहीं चले गए ऐसे वाट मैंने कहा ड्रामा कर रहा है बाबा चल ठीक है करने दे बाप है मेरा हमारा आप बहुत मजाक है मैंने कहा देख लेंगे यार कहाँ जा सकता है वो शाम हो गई कोई खबर ही ना आई कुछ ना हो तो मैं अब ढूंढना शुरू हो गया मैंने कहा ये दिस इज सीरियस मैंने कहा था शादी करे बस एक बार बता दे करनी है कि नहीं करनी मैं कह नहीं करनी कह रहे हैं ठीक है उठे सुबह निकल गए तो मैंने अब ढूंढना शुरू कर दिया और फिर मेरे बाप की फुफ्फो शी पास्ट अवे ऑल्सो कपल डेज गो कपल वीक्स गो शी कॉल मी कहती इधर ही है मेरे पास है फिक्र ना करी मैंने ड्राइवर ले गया मैंने खुदा के वास्ते चले जी गाड़ी में मैं नहीं जाना तुम जाओ अपनी ज़िंदगी गुजारो तुम्हें मुबारक हो अपनी रॉक स्टार लाइफ मैंने कहा अच्छा जी कर लेता हूँ फिर शायद क्या करता फिर करनी पड़ गई फिर शादी बट वाज गुड डिसीजन बिकॉज आई मीन आई एम फ्रेंड्स विद माय वाइफ हाँ व्हाई बिकॉज शी वाज वर्किंग आई मीन शी वाज आई फेल्ट लाइक वो जो एक टिपिकल शादी का औरत आई वो दुल्हन बन के आए व्हाट डू यू कॉल आई कॉल हर बाय नेम फेरी नो फेरी अच्छा फेरी कहते हो हाँ क्या उसका सारे ही कहते हैं अच्छा तो वो उस हाँ फरिया तो अब मैं शी वॉज वर्किंग शी इज़ अ हाई पावर्ड एग्जीक्यूटिव टेलीविजन चैनल्स रनिंग द शो तो मैंने कहा ठीक है यार कोई अपना काम करती रहेगी मेरे सर पे नहीं आके करेगी तो उसने तो उसके बाद कभी एक दिन भी काम नहीं किया ना फिर बच्चे पैदा हो रहे हैं और फिर नाउ शी रन्स द गिटार स्कूल विच इज़ डूइंग अ मार्वलस जॉब बिकॉज फर्स्ट ईयर आई थॉट व्हाटएवर आई मीन यू रन
You ran so many, she was in MTV, she was in ARC television, she was executive producer of both channels. What are you doing with this? This is guitar school. I mean, you could run it with your left finger and whatever, whatever. And first few months I was paying for a lot of stuff, you know. Oh, we can't do this, you have to. I was like, if I have to invest so much money every month, let's just shut it down. All of a sudden she's finally like geared up and did some shit. So the school is running well. And she's doing a lot of projects with guitar school. And we're teaching, we're adding more and more instruments. Yes. So you're going to make it into a full-fledged... It is a full-fledged school, yes. Music school. It is Oh, that's wonderful. School. I didn't know that. Yeah, it's been running for about 6-7 years now. Wow. So we only took over about... I knew that guitar school, but I didn't know okay, pura music school. Ji, it's we do classical... Eastern classical, Western classical, we do halki bulki music, we do guitar, violins, drums, saxophone, and keyboards. And what kind of kids come? From 7 to 65. Wow. I have a student which is 65 years old. Because I can come to school. A friend of mine who's a motorcyclist, we go on trips to China and Kyrgyzstan and back, and we were sitting there somewhere in the mountains. When did this start? This motorcycle pe. Pura Pakistan travel karna. This is basically, it's basically... Do you have a blog? Sorry? Do you have a blog? Just where you travel? I have a page which I post my pictures on, but that's about it. I'm not so... itna padha likha to hoon nahi main ki main blog khol lun aur main kahun apni thought process jo hai bak bak zyada kar sakta hoon. Likh nahi sakta. Especially when the writing is obsolete and typing is in. That's another painful thing. So anyway, I was always a motorcyclist. When I first bought my motorcycle, when I told you, when I was 17 years old, that's about 30 years ago, I went to Saif al-Muluk on my motorcycle. So, wo us zamane mein wo. Ab kahan jaoge? Abhi last year I went to China, all the way to Taklamakan Desert, Kashgar. Wo kehte hain na Neel ke Sahel se leke Tab Khake Kashgar. To main kya ye Tab Khake Kashgar bhi dekh hi liya jaye. Wahan gaya, Kashgar gaya, enjoy kiya. Usse aage Taklamakan Desert hai, where Chinggis Khan used to launch his forces into, you know, the world, going into, wo cross karke wo phir mainland China mein bhi jata tha wahan se, Mongolia se. To wo bada historical path bhi hai, Marco Polo also, that we tried to do Pamir Highway. We didn't get the visas permission. So this year, couple of other people attempted that again. They were successful. Okay. I still didn't get the visa. Pata nahi mujhe kyun refuse kare ja rahe visa. Anyway, so this year, 2018, I'm planning, God willing, and obviously. Kambal utarne ke baad. Kambal utarne ke baad, ye God willing. Comfort kehte na kambal. Comfort zone se nikalne ke baad. Comfort zone se main nikla hoon. In cheezon ke liye main nikla hoon. The idea is to get the visas. There's actually too many visas to get. Or Pakistani passport ke saath aapko pata hai, visa kitni aasani se milte hain aajkal. तो शक्ल देख के कह दो ए तू शक्ल पाकिस्तान दफा हो जा तुम ओ पीछे लाइन चला जा तो वो द प्लान इज टू राइड आउट फ्रॉम लॉस एंजेलिस ऑल द वे टू अर्जेंटीना इट्स अबाउट 10,000 किलोमीटर्स वन वे एंड गोइंग थ्रू वेरी टफ गोइंग थ्रू होल ऑफ अमेरिका वेस्ट कोस्ट इनटू मेक्सिको ये सारा पनामा शनामा करते हुए होंडुरस ब्ला 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 बीवी से कैसा ताल्लुक अच्छे अच्छे जैसे मियां बीवी मिनी बीवी के होते हैं बीवा मियां बीवी के होते हैं मियां ऑब्वियसली मजबूर होता है और यूं बैठो तो नहीं व्हाट अ लाइन और बीवी जो है वो ऐसे कर रही होती तुमने तेरा बेटा करके जाए तो सारे डिसीजन खराब किए थे मैंने कहा ये जो 40-45 साल मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी है अगर आप होती तो वो भी ना गुजरते All my decisions were wrong, and all the decisions I make are wrong. वो मुझे please, I want you to share that with me. जब baby पहला baby पैदा होता है, वो कैसा लगता है? अब मुझे तो याद नहीं कैसा लगता है. मैं तो बस रो रहा था. I mean, they gave me the baby, and I kept crying and kept crying. I go, oh, look at this. Oh, the alpha male, हाँ, बड़ा alpha male बना फिर ना तू तो मैं गोली मार दूँगा. मैं छाल मार देंगा मैं पहाड़ तो छाल मार देंगा कुछ नहीं इस तरह की बड़के हैं तो मारते हैं सारी उम्र अरे किसको क्या हुआ है क्या है होश कर क्यों रोए थे like I said
लव एट फर्स्ट साइड जो पता चला कि लव क्या चीज़ होती है, लव इट्स अ स्ट्रेंज फिनोमेना, इट्स माय गर्ल्स आर नथिंग मोर इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड देन देम, एक स्माइल वो अभी भी ऐसा ही है, वो कोई मजे की बात करती हैं, कोई स्माइल करती हैं, बाबा आप सबसे प्यारे हो, बाबा इज लाइक अ इमोशनल रैक फॉर, सो आई मीन इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग। और दोनों के साथ बराबर प्यार है और बहुत प्यार है। अभी जैसे जैसे बड़े बच्चे बड़े होते जाते हैं वो थोड़े से बाबा से, बाबा प्लीज आई वांट टू गो प्ले विद माय फ्रेंड, बाबा आई एम वाचिंग माय थिंग, व्हिच इज वेरी इट हर्ट्स अ लॉट बिकॉज यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन देम, यू नो लाइक थिंकिंग डू यू नो दैट दे आर गोइंग टू वन डे ग्रो विंग्स एंड फ्लाई अवे, डू यू नो दिस, मैं उस वक्त अमरीश पुरी बन जाऊंगा, आई विल क्लिप योर विंग्स सो यू बेटर नॉट, घर में बैठो चुप करके, इनकी शादियां कर दो, घर जब आई मिलेगा तो कर दूंगा, इनको नहीं मैंने छोड़ना। आई मीन ऑब्वियसली आई नो यार, दीज आर रियलिटीज, इट्स लाइक व्हेन यू बिड फेयरवेल टू योर पेरेंट्स एंड यू लेट देम गो, दे स्लिप आउट ऑफ योर हैंड्स, आई मीन व्हेन यू स्लिप आउट ऑफ देयर हैंड्स एंड यू लाइक बस मेरी जान छोड़े यार, क्या मेरे पीछे पड़े रहते हैं, जस्ट लीव मी बी मामा, आई दीज आर माई एग्जैक्ट वर्ड्स, मामा वॉज आई वॉज मामाज बॉय एंड मामा वुडन्ट लेट मी गो लाइक फॉर, यानी कि ये खा ले वो खा ले ये कर ले वो कर ले, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा जो था वो काबू में ही नहीं आता था, तो वो फिर हमें भी सजा मिलेगी उसकी चीज़ की कि हमें अपने माँ बाप के साथ कैसे किए, देन दे विल आल्सो, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सक्सेस इज अ रिलेटिव थिंग, आई मीन आई सक्सेस इज यू नो फीलिंग लव फॉर, यू नो यू हैव अ होम, you have beautiful children that give you love, you give them love, and there's a, you know, the wife that, you know, it's the whole idea of when you go out there for to earn your bread, and jo marzi aap karte hain agar usme aap naam kamate hain ya aap naam gawate hain, koi rishwat khor hai koi award yafta hai wo usse koi farak nahi padta, wo jab ghar mein wapas aata hai aur uske sath uske ghar ke andar kya hoti hai, उसके घर का क्या माहौल है, उसके घर में खुशी क्या है, इनके खाने पक रहे हैं, कोई लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, बच्चे हैं वो बच्चे उनके, परसों में पेरेंट टीचर मीटिंग पे गया हुआ था तो उन्होंने कहा योर डॉटर इज मार्वेलस ग्रेट आर्टिस्ट एंड दिस एंड दैट, आई थिंक दैट इज सक्सेस, वे आई कम होम आई एम ड्राइविंग विद देम सिटिंग विद द ड्राइवर have my both my babies holding them like nahi nahi gaadi brake lagegi to aage jaake na lago aur wo bhi mere piche nahi chhodti lekin I realize the fact that wo they're gonna grow some wings and go away but I'm not that father I'm not like you and Piru that I'm saying ha ha mera beta Canada bhejunga apne bete ko main chhittar laal na main ullu diya pathiye khabardar tu America janda na laya us sad ke iske liye paise ikatthe karne shuru karte hain aapne inko America nahi bhejna मैंने तो आपने इनको इंग्लैंड नहीं भेजना और मैंने कहा यार वो कहीं मैंने नहीं पढ़ना बाबा आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर आई सेड श्योर गो अहेड नो आई वांट टू बी अ डॉक्टर नाउ एवरी डे इट चेंजेस यार दे वांट टू बी व्हाटएवर दे वांट टू बी बट मैं किसी दुनिया के प्रेशर में आके के जी देखो जी फलाने का पुत्र भी गया है तो फलाने की धी भी गई है भेजो जी बच्चे ने पढ़ाओ जी उस तो बाद वो जाते हैं फिर कहते हैं ओह माय गॉड डैड यू आर सो अनकूल I'm going to stay here in Canada. I'm not coming back. You guys are too backwards and othe main laal ne 76 theek hai te unna nu vi marne jinna ne apne bacche bheje ne why do you do what you do I mean it's for that we apni baat na ke what is success this is success to keep your family together and keep them happy and ye jo ek ये हमारे ज़माने में एक्चुअली आया है वो हम भी उसी के विक्टिम थे ना ऑस्ट्रेलिया क्यों गया फलाना मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ फ्रेमॉन्ट जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ हम इधर लल्लुओं की तरह बैठे हुए कह रहे हैं साडा बात है सानू गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल ना पेश आता है तो की करिए अच्छा यार मैं खुद करूँगा तो वो तड़प थी ठीक है किया लेकिन मैं किसी गलत रस्ते पर भी जा सकता था दिस इज बुलशिट आई मीन यू डोंट लर्न एनीथिंग इन अमेरिकन कॉलेजेस एक्सेप्ट देन पार्टी एंड सोरोरिटीज एंड दिस एंड दैट क्लब एंड दैट क्लब You have drum, you know,
few drunk nights in a week and then you're like you know 2.8 GPA uske baad ghar wale aap kehte aa ja beta bas ab ghar aap paise khatam ho gaye kitne paise laga de ji bas ji 1.5 crore us pe lag gaya 2.25 crore us pe lag gaya ab hamara ghar bik gaya ye in logon ki aspirations hain basically failure kya failure same as above you know you don't have that family that you you know go out and work for you come home your kids aapko muh na lagaye biwi se aapki baat na bane aur ghar ke andar wo khana na mile acha khane ko aap apne kisi kamre mein aapke dost jo hai wo ahbab aapke liye isliye dost hai ki aapke paas paisa hai aapki apni koi personality nahi hai hamare is tarah bahut sare logo jante hain jo ke jante hain aur balki duniya mein dekhte hain ki duniya kis cheez ke piche bhagti hai wo fulane ke ghar ja raha hai kyun ye sharab pila raha hai wo acha yaar main to sharab nahi peenda मैं उसे की करांगा जाके 15 मिनट बाद मैं उन्हें शक्लां देखा उनका दिल करता है कि को मैं ठुडे मारूं तो आई मीन इट्स अ पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना टाइम के साथ बिकॉज यू हैव सीन इट ऑल एंड आई फाइंड इट अ फेलियर इफ पीपल जस्ट कम टू यू जस्ट बिकॉज यू कैन गिव देम शाइनी थिंग्स एंड दैट इज फेलियर व्हेन यू सिट अलोन कभी जब बैठते हो खामोश मैं ज्यादातर अपने अपने कंबल में कंफर्ट जोन में बैठे होते हो ऐसी कोई चीज है जिसे इरेसर से इरेस करना चाहो पीछे मुड़ के कि काश ये ना किया होता हाँ कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये बच्चे जब पैदा हुए एट 42 में आई हैड माय फर्स्ट डॉटर एंड आई वाज काइंड ऑफ रेडी एट 32 आल्सो सो आई यू नो ऑब्वियसली माय माइंड एंड जो मेरी हरकतें थी वो दे नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर मैरिज आई मीन बच्चे बीवी ढूंढते ही रह जाते हमें उस वक्त अगर कर लेते बट आई मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर वो पहले मैंने कर ली होती तो अब बचे आई मीन आई कुड हैव हैड 6 किड्स और 10 किड्स व्हाटएवर यू नो आई लव किड्स सो मच मैंने कहा मोर द मैरियर यार दे विल टेक केयर ऑफ मी व्हेन आई एम डाइंग यू नो व्हेन आई एम ओल्ड एंड अलोन एंड दैट इज सक्सेस और फेलियर इफ योर किड्स डोंट इफ यू हैव नोबडी व्हेन यू आर डाइंग ओल्ड एंड यू हैव डन योर शेयर यू मेड दैट मनी फॉर देम और यू मेड मनी फॉर योर फैमिली फॉर योरसेल्फ यू गिवन देम अ गुड लाइफ एंड बाय द टाइम वो सब कुछ प्रोसेस इज डन And you die alone somewhere in a old home or somewhere when nobody's there to look after you. So that is success or failure. जिंदगी क्या है? जिंदगी एक जुआ है मेरी जान, खेल दे जा. और मौत? मौत, I see death as a white room with infinite possibilities. I mean, lately I've been thinking about it a lot. Maybe the time has come. No. I don't know. Who knows? No, maybe I think when you start talking, thinking of death, I think you're getting connected. Yeah, also it's, thinking of death is. ये इससे पहले तो मौत का कभी ख्याल भी नहीं आया कि मौत क्या जो हम तो we were people looking for it. गाड़ी उल्टा दी, गाड़ी 160 की स्पीड पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पहाड़ पे चढ़ाई हुई है, पहाड़ से पैराशूट पे जंप मार दिए, we're looking for it. But after the kids, that's not the thing. After the kids, the you want to live. And for them, you know, it's not so much for your own self. Been to mountain tops. कि एक पहाड़ है रास्ते में मैं कह रहा हूँ यार ये इस पर मैंने जाना है वो कह रहा हाँ जी गोट पाथ है तो हम गोट पाथ पर मोटरसाइकिल लेके चले जाते हैं उसमें गिरे पड़े हैं 80 किलोमीटर दो दिन में करते हैं उस दौरान जो 80 किलोमीटर जो दो दिन में हमने किया है उसमें क्या क्या जगह हैं क्या क्या खुदा के रंग आप वो सिर्फ वहाँ जाके जब रात को बर्फ़ में ठठर रहे होते हैं आपको खुदा याद आता है ना वो एक और नेक्स्ट लेवल है यू आई इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इट कैन नॉट इट ओनली हैव टू बी एक्सपीरियंस यू हैव टू बी देयर यू वेक अप दैट आप टेंट से बाहर निकले और सूरज निकल रहा है और सर्दी से आप ठठर रहे हैं और किसी पहाड़ की चोटी पर वो बर्फ़ जो है वो उड़ती हुई नज़र आ रही है आपको इट्स आई मीन सम सीरियस God moments. Thank you. Assalamu alaikum. मैं हूँ समीना पीरज़ादा. आप मुझे देखेंगे Rewind with समीना पीरज़ादा में सिर्फ on PTCL Smart TV. और मोहब्बत मोहब्बत है क्या शाही अल्लाह जाने
ہے جتنی زبانیں ہیں اتنے فسانے. آئی تھنک لو از, میں محبت میں تھوڑا سیلفش ہوں. بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفا.